ठीक है। देखो एम्पियर्स लॉ क्या होता है, देखो एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। मान लो ये एक लूप है, कुछ इस टाइप का लूप है, कुछ इस टाइप का एक धागा है, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा धागा है। एक करंट इसमें, एक जो है करंट इसमें यहां से आता है और यहां से निकल जाता है, ऐसे करके, ठीक है। एक करंट इसको पार करता हुआ निकल जाता है, इसको पार करता हुआ, ये देखो ये एक लूप है, ये सर्कुलर जरूरी नहीं, किसी भी शेप का लूप है। एक करंट इसको ऐसे गया है, दूसरा इस तरह गया है, तीसरा इस तरह गया है, चौथा यहां से है, पांचवा यहां से, बहुत सारा चीज हो सकता है। एक करंट यहां पे I1 इसको इस तरह से निकल गया, दूसरा इसमें से निकल गया गया है I2, दूसरा इसमें से क्या निकल गया है I2, I2 करंट कैसे निकला देखो, I2 करंट कैसे निकला देखो, I2 इस तरह से निकल गया है, I1 इस तरह से, I2 इस तरह से। I3 करंट जो है वो मान लो ऊपर से आया नीचे की तरफ, समझ रहे हो ना, ये सारे करंट इसको पार कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है समझो, ये सारे करंट इसको, इस लूप को, ये सारे करंट कोई ऐसे, कोई इस तरह से फ्लो करता हुआ पार कर गया, कोई इस तरह से फ्लो करता हुआ पार कर गया, कोई इस तरह से फ्लो करता हुआ पार कर गया, कोई ऐसे फ्लो करता हुआ पार कर गया, कोई बाहर से पार कर गया। एक करंट यहां भी है, मान लो एक करंट जो है यहां भी है, I1, I2, I3, I4, लाइक दैट, ये सारे करंट्स हैं, ठीक है। स्पेस में बहुत सारे करंट है, जैसे ये लूप है, एक करंट यहां से पार कर गया, एक तार जो है, एक तार जो है इसको ऐसे पार कर गया, एक तार इसको ऐसे पार कर गया, एक तार यहां से पार कर गया, समझ रहे हो, एक पार इसको तिरछा पार कर गया, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो इस केस में हम इसको अगर टॉप व्यू में दिखाएं, अगर हम इस डायग्राम को किसमें दिखाएं, टॉप व्यू में दिखाएं, ऊपर से दिखाएं, तो वो इस तरह से कैसे है देखो, वो इस तरह से हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं ये जो लूप है ये इस तरह से है, मान लेते हैं ये एक लूप है, क्या है, हम इसको टॉप व्यू में देखिए, तो ये इस तरह से एक लूप बना हुआ है, ये इस तरह से लूप बना हुआ है। लूप का मतलब समझते हो, लूप ये टू डायमेंशनल फिगर, ये कुछ इस टाइप का लूप है, सरफेस नहीं है। गॉस लॉ में क्या होता था, एक क्लोज सरफेस होता था थ्री डायमेंशन, ये लूप है, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है। इसमें एक करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है I1, एक करंट पीछे से आ रहा है और इसको पार करके तुम्हारी तरफ आ रहा है I1, दूसरा करंट यहां आ रहा है I2 अंदर जा रहा है, तीसरा करंट यहां पर है I3, इमेजिन करो इस तरह से। तुम क्या कर रहे हो, किसी भी पॉइंट पे ये और ये मिलके एक फील्ड बनाएगा, किसी भी पॉइंट पे स्पेस पे, क्योंकि ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये एक फील्ड बनाएगा B1, ये एक फील्ड बनाएगा B2, ये एक फील्ड बनाएगा B3। तो समझो कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट यहां पर है, और यहां पर मान लो इन तीनों का रिजल्टेंट फील्ड यहां पर है, कितना है, वेक्टर बी। ये वेक्टर बी किसके इक्वल है बताओ, फील्ड ड्यू टू फर्स्ट करंट प्लस फील्ड ड्यू टू सेकंड करंट प्लस फील्ड ड्यू टू थर्ड करंट, ये है बी नेट, ये नेट करंट, ये नेट फील्ड है। नेट फील्ड क्या है, दिस इज अ फील्ड ड्यू टू फर्स्ट करंट, फील्ड ड्यू टू सेकंड करंट एंड फील्ड ड्यू टू थर्ड करंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा फील्ड है इस पॉइंट पे, और तुम क्या कर रहे हो, इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तुम इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो, इस लूप के छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हो, तुम इस पॉइंट पे इस लूप का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ले रहे हो, कितना डीएल लेंथ का, तुम इस डायरेक्शन में एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हो डीएल लेंथ का, यहां बी है। सिमिलरली तुम यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, तुम यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, तुम यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, तुम यहां पर एक, ये बहुत छोटा, जितना छोटा दिखा सकते हो उससे भी छोटा तुम लेते चले जाओ, हर पॉइंट पे बी डॉट डीएल लेते चले जाओ। तुम इस लूप को एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए
बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तुम इस लूप को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, स्ट्रेट, लगभग स्ट्रेट टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दो। तुम हर इस लेंथ को क्या बोल रहे हो, छोटे टुकड़े, डीएल बोल रहे हो, हर इस लेंथ को क्या बोल रहे हो, टेंजेंशियली अलोंग द पाथ, छोटा टुकड़ा ले रहे हो डीएल, उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द पाथ। हर पॉइंट पे तुमको अलग अलग बी मिलेगा, हर पॉइंट पे तुमको अलग अलग बी मिलेगा। किसी पॉइंट पे बी तुमको क्या मिलेगा, किसी पॉइंट पे बी तुमको इसके परपेंडिकुलर मिलेगा, किसी पॉइंट पे बी तुमको हो सकता है कि इसके इस डीएल के एंटी पैरेलल मिलेगा। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो ये तीनों मिलके बनाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग रहेगी। तुम जब यहां बी डॉट डीएल को लेते जाओगे, यहां लो बी डॉट डीएल, यहां जो बी है, इस पॉइंट पे जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है, इन तीनों का कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड, रियल्टन मैग्नेटिक फील्ड, उसका डॉट प्रोडक्ट लो इस डीएल के साथ, तो क्या लिखोगे, बी डॉट डीएल, क्या लिखोगे, बी डॉट डीएल। यहां बी क्या है, नेट, ये बी नेट डॉट डीएल। जब ऐसा ऐसा बी डॉट डीएल सब जगह लो के उसको सम करोगे, जब ऐसा ऐसा बी डॉट डीएल सब जगह लेके उसका सम करोगे, यानी पूरी लूप पे उसको इंटीग्रेट करोगे ऑन द क्लोज लूप, समझ रहे हो, किसी पॉइंट पे तुमको बी और डीएल में एंगल मिलेगा एक्यूट, किसी पॉइंट पे बी और डीएल लकीली ग्रेज कर रहा होगा, यानी दोनों में एंगल होगा जीरो, तो बी डॉट डीएल आएगा पॉजिटिव, किसी पॉइंट पे डीएल के साथ बी होगा एंटी पैरेलल अपोजिट, वहां क्या आएगा, माइनस बी डीएल, नेगेटिव आएगा, किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पे बी डॉट डीएल कितना आएगा, जीरो, कहीं पॉइंट तो एंगल कहीं जीरो होगा, कहीं 180 होगा, जीरो से 180 इंक्लूडिंग 90, जहां भी एंगल बिटवीन बी, उस पॉइंट पे बी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर, जहां भी एक्यूट होगा वहां बी डॉट डीएल पॉजिटिव आएगा, जहां भी एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर और बी वेक्टर ऑब्ट्यूस होगा वहां क्या होगा, वहां तुमको नेगेटिव आएगा। तो वो आ सकता है, वो हम नहीं जानते। अगर तुम सबका सम ले लो, अगर तुम सबका सम ले लो, हर पॉइंट पे बी निकालते जाओ, हर पॉइंट पे बी डॉट डीएल निकालते जाओ, ये आता है इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड इनसाइड, करंट एनक्लोज्ड, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एम्पियरियन लॉ। अब यहां पे करंट देखो, तुम चूंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तुम चूंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज को घूम रहे हो, डीएल जो तुम कट कर रहे हो इस पाथ में जो घूम रहे हो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, इसीलिए तुम इस करंट को लोगे पॉजिटिव करंट, इसको लोगे नेगेटिव करंट। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो ये होगा पॉजिटिव करंट और ये होगा नेगेटिव करंट, थंब के डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट। और अगर तुम ऐसे घूमते, ऐसे इस डायरेक्शन में, तब तुम लेते इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, ठीक। तो पहली बात ये समझो, तुम कोई भी लूप बना दो, ये है लूप, क्लोज लूप ऑफ एनी शेप, एनी शेप, क्लोज लूप ऑफ एनी शेप, ये क्लोज लूप किसी भी शेप का है, तुम्हारी रैंडमली बना दो, ठीक है। अगर तुम ये क्लोज लूप एनी शेप का बनाओगे, किसी भी शेप का, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन लूप। जैसे वहां हम क्या करते थे, क्लोज सरफेस बनाते थे गॉस लॉ में, किसी भी शेप का, उसको क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस, वो गॉसियन क्लोज सरफेस होता था, ये है क्लोज लूप, इसको बोलते हैं एम्पिरियन लूप। इसका ये कहना है, इस इंटेग्रल को हम बोलते हैं, जब हम डॉट डीएल के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जिस तरह से ई डॉट डीए, ई डॉट डीए को बोलते थे फ्लक्स, फ्लक्स बोलते थे, बी डॉट डीएल को जब डीएल के साथ डॉट डॉट से इंटीग्रेट कर, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप और सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट डीएल, इंटेगल ऑफ बी डॉट डीएल। हर पॉइंट पे बी अलग अलग है, डीएल अलग अलग है, बी और डीएल में डायरेक्शन अलग अलग है, बट सारे वे बी डॉट डीएल का वेक्टर सम, पूरा सम, सॉरी पूरा समेशन ओवर द एंटायर लूप सिर्फ डिपेंड करता है कि कितना करंट इसको पार किया, न कि कितना करंट इसको पार किया, न कि बाहर। यानी कि यहां पे अगर तुम इसको लिखोगे इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, तुम कैसे घूमे हो उस क्लोज लूप में, तुम इस क्लोज लूप में घूम गए हो एंटी क्लॉकवाइज, पूरे क्लोज लूप में। इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल ये आता है म्यू नॉट इंटू आई वन माइनस आई टू। कहने का मतलब है सिर्फ तुमको क्या लेना है, कितना करंट इसको पार कर रहा है, आई वन आई टू, ये है प्लस आई वन, ये है माइनस आई टू, आई थ्री का इसमें कोई योगदान नहीं है। यहां पर ये बी नेट जो है, ये बी नेट जो है इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो बी नेट तुमको दिख रहा है इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट है, वेदर इनसाइड और आउटसाइड। ये जो बी ले रहे हो इसमें बी वन भी होगा, बी टू भी होगा, बी थ्री भी होगा, जो बाहर में है, जो इससे पार नहीं कर रहा वो भी होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। लेकिन जो यहां आई तुम ले रहे हो इसमें तुम सिर्फ लोगे करंट, नेट करंट दैट पासेस थ्रू दैट, ये होगा नेट करंट दैट पासेस थ्रू द लूप, उसमें ये नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सबके कारण फील्ड होता है, राइट हैंड साइड में सिर्फ अंदर का जो करंट इसको पार कर गया वो लेते हैं, जो करंट बाहर से निकला उसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? अभी तो स्टार्ट हुआ है। नो सर। देखो इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप, इसको बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। अब इसको समझने की कोशिश करो, मैं इसमें अब थोड़ा एलोबरेट कर रहा हूं। देखो एम्पीरियन लूप का ये कहना होता है ये हम एक लूप बना रहे हैं, ठीक है, एक लूप है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लूप है, एक करंट इसमें पास कर गया ऐसे करके, एक करंट इसमें पास कर गया ऐसे करके, कैसे, इस तरह से आई वन, ठीक है। दूसरा करंट इसको पास कर गया यहां से, दूसरा करंट इसको पास कर गया यहां से, I2, ठीक है। तीसरा करंट इसको जो है पास कर गया यहां से, मान लो I3। चौथा करंट इसको यहां से पास कर गया ऐसे कर, चौथा करंट मान लो इसको यहां से पास कर गया इस तरह से आई फोर, ठीक है। तो देखो समझ पा रहे हो, ये एक लूप है हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड के पैरेलल मैंने एक लूप बना दिया इसे, किसी भी शेप का मैंने इस तरह से एक लूप बना दिया, और ये किसी भी शेप का है। कुछ करंट ऐसे चला गया, कुछ करंट इंफिनिटी से आया, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी चला गया, कुछ ऊपर से आया नीचे चला गया, कुछ ऐसे आया और लूप बना दिया ऐसे करके क्लोज। एक करंट यहां इस तरह से भी ले लो, कैसे ले लोगे, तुम मान लो करंट एक ले लो इस टाइप से, तुम एक करंट मान लो ले लेते हो, या इसी करंट को क्या करो ऐसे कर दो, इस I2 करंट को क्या करो तुम ऐसे कर दो,
ऐसे कर दो, समझ रहे हो? एक करंट नीचे से आया आई वन, ऊपर निकल गया, एक करंट नीचे से आया, एक ऊपर से आया नीचे निकल गया, एक इधर से आया तिरछा तिरछी ऐसे निकल गया, किस तरह निकल गया, ठीक है? तुमको अगर इसमें, तुम अगर ऐसे घूम रहे हो, कैसे ऐसे, तुम अगर इसको मान रहे हो करंट को अपवर्ड डायरेक्शन, इसको मान रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर, तुम इस तरह घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो, इस तरह से तुम इसमें ऐसे घूम रहे हो, तुम इसमें ऐसे घूम रहे हो, ठीक है? ये तुम्हारा सेंस ऑफ सर्कुलेशन है, तुम अगर इसमें ऐसे घूम रहे हो, ठीक है? तो तुम लिखोगे इंटेग्रल ऑफ, तुम लिखोगे इंटेग्रल ऑफ बी नेट डॉट डीएल ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, तुम इस तरह लिए हो, इस तरह लिए हो, इसको लोगे आई टू पॉजिटिव, क्योंकि जब तुम इस तरह से लिए हो ऊपर के करंट को लोगे पॉजिटिव, ऊपर के करंट को क्या लोगे पॉजिटिव, तो ऊपर इसमें कितना करंट पास कर गया, ऊपर कितना करंट पास कर गया आई टू, ठीक है आई टू, इसको क्या लोगे माइनस आई थ्री, आई टू पॉजिटिव, क्योंकि तुम इस तरह से घूम रहे हो, समझो तुम लूप में इस तरह से घूम रहे हो, तो तुम्हारा राइट हैंड फिंगर अगर तुम्हारा बता रहा है सर्कुलेशन का डायरेक्शन, तो ये बताएगा पॉजिटिव करंट का, आई टू पॉजिटिव, आई थ्री देखो नीचे है, तुम घूम रहे हो तो इसको मान रहा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये बताओ ऊपर गया है, ये भी करंट इसको पार करके क्या किया है ऊपर गया है, नीचे से ऊपर गया है, ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस आई वन, और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये अंदर नहीं है, एनक्लोज नहीं है, आउटसाइड है, इसको नहीं लोगे। अब समझो ये जो बी नेट है, पहला पॉइंट ये होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करेंट्स इन स्पेस, इट इज नॉट ड्यू टू ओनली आई वन की, मतलब जो इनसाइड है इसका भी, यहां जब तुम बी ले रहे हो, यहां जब तुम बी डॉट डीएल ले रहे थे, तो यहां जो तुम बी नेट और डॉट डीएल ले रहे थे इस डीएल के साथ बी नेट, तो यहां जब बी लोगे उसमें बी वन भी लोगे, फील्ड ड्यू टू दिस, सबका लोगे, पहली बात तो बी में होता है सबका फील्ड लेते हैं, दूसरी बात तुम सिर्फ फील्ड इसका नहीं लोगे जो पार किया है, जो भी तुमको वायर यहां दिख रहा है ना, ये वायर है आई थ्री आई टू आई वन आई फोर, इसके पूरे लूप का लोगे, करंट जब भी फ्लो करता है किसी लूप में फ्लो करता है, करंट जब भी फ्लो करता है किसी लूप में फ्लो करता है, ये बात और है कि ये करंट इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका भी लूप बन रहा है ना, ये यहां से इंफिनिटी तक जाएगा और फिर इंफिनिटी होके ये एक लूप कंप्लीट कर रहा होगा, एक इनफाइनाइट रेडियस का एक लूप तो कंप्लीट करेगा ही ना, ये एक डायमीटर हो गया इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, फिर ये इसको कंप्लीट कर रहा होगा, या ये जो है बताओ, ये जब करंट फ्लो कर, ये जैसे लूप दिख रहा है, ये जैसे लूप दिख रहा है, क्यों दिख रहा है लूप, ये जो तुमको आई वन का लूप दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि छोटा लूप है, ये बहुत बड़ा लूप का पार्ट है, इसीलिए इसका रेडियस इनफाइनाइट है, तो यहां जो तुम करंट लेते हो, यहां जो तुम फील्ड लेते हो ना, ये सिर्फ यो नहीं लेते हो कि जो करंट यहां पास कर गया उसका फील्ड ले ली, नहीं, जो करंट यहां पास किया इसकी पूरी लूप बनेगी, उस लूप में जितना भी एलिमेंट है डीएल सबके कारण फील्ड यहां लेते हैं, सो यहां जो बी नेट होता है दिस इज द फील्ड ड्यू टू जो भी हम आई वन आई टू आई थ्री ले रहे हैं, कंप्लीट लूप कैरिंग करंट आई वन आई टू आई थ्री एंड आई फोर, तो ये मत समझना कि यहां एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए इसका फील्ड यहां निकाल देंगे, नहीं, अगर एक वायर ऐसे क्रॉस कर रहा है और यहां हम लिख रहे हैं म्यू नॉट आई, अगर एक वायर क्रॉस हम इसमें लिख रहे हैं यहां पे म्यू नॉट आई, मतलब ये वायर कहां से चला था, अगर इनफाइनाइट वायर है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो यहां जो फील्ड तुम लोगे ना वो क्या लोगे म्यू नॉट आई बाय
टू पाई आर। तुम याद है जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता था तो उसका यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। और वो सिर्फ इस छोटे से टुकड़े का नहीं है जो इसको पार कर रहा है, ये इस करंट का इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक का है। तो भले ये वायर पार कर गया, तुम इसको ले रहे हो आई टू, इसको ले रहे हो आई थ्री, बट ये वायर जहां से जहां तक है उन सबके टुकड़े का फील्ड यहां पे लोगे, यहां जो करंट यहां लोगे, जो करंट यहां लोगे उस करंट का पूरी लूप में ने मिलके जो फील्ड बनाया वो लोगे, फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप। ये बात और हो सकता है कि वो इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसका यहां जो फील्ड लेंगे, अगर ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, आई थ्री का फील्ड यहां पे क्या लेंगे, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का टोटल फील्ड लेंगे यहां पे। तीसरी बात, जरूरी नहीं है कि ये करंट परपेंडिकुलर क्रॉस करे, ये करंट अगर ऐसे भी क्रॉस कर रहा है, तिरछा भी क्रॉस कर रहा है, तो आई ही लेंगे, आई का कंपोनेंट नहीं लेंगे, समझो। अगर ये करंट अगर इस तरह से पास कर रहा है तो ये मत करना कि इसका कंपोनेंट, अगर ये एंगल प्लेन के साथ बना रहा है थीटा, तो हम कहेंगे नहीं करंट जो पास हो रहा है वो आई साइन थीटा, नहीं, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो याद रखना, दिस करंट नीड नॉट बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द लूप। जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, कि किसी भी एंगल पे निकल जाएगा, आई ही लोगे, उसका आई का कंपोनेंट नहीं लोगे, तुम आई का कंपोनेंट नहीं लोगे, ठीक है। चौथी बात, ये लॉ तभी वैलिड है जब वहां पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, समझ रहे हो। इसका मतलब हुआ, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इट इज वैलिड, दिस लॉ इज वैलिड ओनली इफ करंट इज कॉन्स्टेंट विथ टाइम। क्योंकि अगर करंट टाइम के साथ वेरी करेगा, अगर करंट टाइम के साथ वेरी करेगा तो करंट के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा। करंट अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगा, तो उस केस में वहां पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो याद रखना, ओनली फॉर स्टेडी करंट फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और लूप कैरिंग करंट आई ओवर इट इज वैलिड ओनली इफ करंट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। याद रखना, करंट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इसको बोलते हैं स्टेडी करंट, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं, पांचवा पॉइंट, अगर इस स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा हो, अगर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड समय के साथ फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो वो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, हम देखेंगे बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द स्पेस इन द रीजन इज वेरिंग विथ टाइम अगर किसी कारण से इस स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा हो, कैसे बदलेगा, एक चार्ज ले आओ, इस चार्ज को धीरे धीरे इसके तरफ मूव कराओ, तो जब इस चार्ज यहां से मूव करेगा तो जैसे जैसे वो चार्ज इस लूप के नजदीक पहुंचेगा, यहां फील्ड चेंज होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर हम यहां पे इसको ले लें और एक चार्ज को यहां से मूव कराना शुरू करें तो क्या होगा, जैसे ये चार्ज इसके पास आएगा, यहां इस स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड समय के साथ यहां बढ़ेगा तो यहां एक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला में उस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को लोगे बी नेट में तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ये सिर्फ किसका है, यहां बी क्या लेंगे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां दे देंगे, जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है,
वो यहां पे दे देंगे तो ये इक्वलिटी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक, हम देखेंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल ने इसको कैसे मॉडिफाई किया था वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस ये समझ लो इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द स्पेस इज वेरिंग विद टाइम देन एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। अगर हम यहां इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी दे दे तो ये इक्वालिटी वैलिड नहीं रहेगा। ये सिर्फ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दे देंगे तो ये इक्वल नहीं रहेगा। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द स्पेस इज वेरिंग विद टाइम देन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड दिस लॉ इज नॉट वैलिड। ये वैलिड ही नहीं रहेगा, ये वैलिड ही नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा 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 तो पहली बात इसको समझ लो, यहां पर हम जो बताना चाह रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा बताएं। इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी है, अब इसको प्रूफ करेंगे, अभी इसको हम प्रूफ करेंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है, एक बार इसको देखो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इतना बड़ा वायर था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बस इतना ही बड़ा वायर है, हम सिर्फ इतने ही बड़े वायर को ले रहे हैं और इसको मैंने क्या किया, एक लूप से पास करा दिया। हमने इतने ही बड़े वायर को मैंने क्या किया, लूप से पास करा दिया और कहा कि देखो क्योंकि ये से पास कर गया तो इसके कारण, इस फाइनाइट वायर के कारण जो फील्ड बनेगा यहां पे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बी डॉट डीएल बी ड्यू टू दिस वायर, बी डॉट डीएल इतना बड़े वायर के कारण जो फील्ड बनेगा यहां बी डॉट डीएल इज इक्वल टू मी नॉट आई, वो नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, अगर हम इसको बी लेना है इसका पूरा लूप लेना पड़ेगा, या तो इसको लूप इस तरह कंप्लीट करो, या तो इस लूप को ऐसे ले आके जो है कंप्लीट करो, या इसको इंफिनिटी तक जाने दो। इस पूरे लूप में जहां से करंट चला और जहां तक घूम के आया उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका जब फील्ड लोगे तब बी डॉट डीएल लगेगा, इतने बड़े के लिए नहीं लगेगा। ऐसा मत करना इतना बड़ा ले लिया और निकाल दिया, गलत आ जाएगा। तो तुम इतना बड़ा ले रहे हो उसका तुम इनकम्प्लीट पिक्चर बता रहे हो, यहां से करंट जाएगा कैसे, यहां से करंट जाएगा, इस करंट को जाने के लिए तो लूप बनाना ही पड़ेगा, पूरा लूप बनाना पड़ेगा, चाहे वो इनफाइनाइट लूप हो चाहे फाइनाइट लूप हो, बट लूप में जितने भी करंट है बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग लूप में जितने भी डीएल है सबका नेट फील्ड यहां निकालना पड़ेगा, तब वैलिड होगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है, इस तरह का चीज आता है, इसका प्रूफ पहले देखते हैं। तो पहले एक दो इलस्ट्रेशन तुम देख लो, पहले तुम एक दो इलस्ट्रेशन देख लो। क्या इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ये है, इलस्ट्रेशन ये है, इलस्ट्रेशन ये है कि मान लो देयर आर सम इनफाइनाइट करंट्स पासिंग एंड इट इज शोन लाइक दिस। चलो पहले इसको प्रूव करते हैं। समझ, पहले ये बताओ कि इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट पास हो रहा है एक सर्कल से, ये एक लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है, और इसके परपेंडिकुलर ये मान लो एक्स वाई प्लेन में है, ये एक एक्स वाई प्लेन में है, और यहां से इसके सेंटर पे से एक वायर जिसमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहां से इसके सेंटर पे से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो है पास कर जाता है, समझ रहे हो, ये एक सर्कुलर लूप है
और यहां से पीछे से इनफाइनाइट से आते हुए और ये इंफिनिटी की तरफ निकल जाता है, स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, करंट वायर। जरा इसमें देखते हैं ऐसा वैलिड हुआ है, बस एक ही वायर है, तो इंफिनिटी से आ रहा था, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पीछे बहुत दूर से आ रहा है और आगे बहुत दूर, और ये एकदम सर्कुलर लूप है और ये इसके सेंटर पे रखा हुआ है। हम जानते हैं इसका फील्ड यहां क्या होता है, हम जानते हैं इसकी वजह से यहां फील्ड क्या होता है, क्या होता है जी, हमने निकाला था म्यू नॉट आई बाय 2πr होता है, हमने एमपीएस लॉ पढ़ा हुआ है, एक बार देखते हैं कहीं गलत तो नहीं ये लॉ। यहां पे क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2πr, सही है, क्या चीज, हेलो पाई नहीं होगा, समझे नहीं तब तुम, ये इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, नीचे से इंफिनिटी से आ रहा है, ऊपर इंफिनिटी पे जा रहा है, ये इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, नीचे से इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, इसका फील्ड हो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2πr होगा ना। अब मैंने यहां लूप डाला है, बाद में मैंने ये एक इमेजिनरी इमेजिनरी एम्पिरियन सर्कुलर लूप एक पाथ बना दिया है, ये कुछ भी यहां करंट नहीं है, ये एक स्पेस में एक इमेजिनरी पाथ मैंने एज्यूम कर लिया है, इसका फील्ड है, बिकॉज ये इनफाइनाइट सारा इनफाइनाइट पे जा रहा है, इसका फील्ड है म्यू नॉट आई बाय 2πr। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो ये जो करंट है, करंट तुम्हारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा है, एंड दिस इज एन इमेजिनरी लूप, इमेजिनरी सर्कुलर लूप, इसको हम बोलते हैं एम्पिरियन लूप, इसको हम बोलते हैं एम्पिरियन लूप। तो इसकी जो, चूंकि ये करंट तुम्हारी तरफ है, चूंकि ये करंट तुम्हारी तरफ है, इसका फील्ड होगा एस सीन बाय यू, ये फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। और अब हम क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन में छोटे छोटे टुकड़े लेके हम मूव कर जाते हैं, हम इस पूरे लूप को कवर करते हैं, हम इस एम्पिरियल लूप पे छोटे छोटे टुकड़े लेके मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो यहां बताओ, यहां पे डीएल लेंगे और यहां बी लेंगे, दोनों के बीच में एंगल इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 डिग्री, हम एंटी क्लॉकवाइज, यहां एक छोटा सा टुकड़ा लो, छोटा सा टुकड़ा सर्किल के आर्क पे टेंजेंशियल होता है, और यहां बी भी टेंजेंशियल है, तो जब तुम लिखोगे इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डीएल हो जाएगा इंटेग्रल ऑफ बी डीएल कॉस 0 डिग्री, क्यों, यहां पे बी और डीएल आपस में 0 डिग्री पे थे, यहां बी और डीएल आपस में 0 डिग्री पे थे, तुम यहां पहुंचे, बी बदल गया बट डीएल भी तो बदल गया ना, हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री पे ही है, जब तुम यहां पहुंचोगे तो बी की डायरेक्शन यहां भी टेंजेंशियल होगी, क्योंकि बी सर्कुलर है तुम्हारा, बी हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, और यहां डीएल भी क्या है, लेंथ अलोंग द आर्क टेंजेंशियल ही है, तो एंगल 0 होगा, तो ये हर पॉइंट पे बी डॉट डीएल होगा, ये हो जाएगा इंटेग्रल ऑफ बी, कितना है बताओ म्यू, अब ये बताओ ये है म्यू नॉट आई बाय 2πr इनटू डीएल, तुम जानते हो ये पूरा चीज कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड इस पूरे सर्किल पे कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड इस पूरे सर्किल पे कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हर पॉइंट पे सर्किल पे कांस्टेंट है, तुम इसको बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई बाय 2πr, क्योंकि ये कांस्टेंट था, इंटीग्रल ऑफ डीएल, इंटीग्रल ऑफ डीएल याद रखना, इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर लेते तो आता 0 आता ना, पूरे लूप पे अगर डीएल वेक्टर का वेक्टर सम देखेंगे, अगर हम डीएल वेक्टर का वेक्टर सम देखेंगे तो बाय पॉलीगन लॉ पूरे लूप पे 0 आएगा, बट ये डीएल स्केलर है, डीएल स्केलर का वेक्टर सम क्या होगा बताओ, 2πr होगा, यहां डाल दो 2πr, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2πr इंटू 2πr,
और ये कट गया, कितना आ गया म्यू नॉट आई, ठीक। यहां तुम समझ गए इसको, एक इलस्ट्रेशन ले ली वैसे ही। बट अगर ये आर्बिट्रेरी शेप का होता या ये करंट सेंटर पे ना होता यहां होता तब कैसे होगा? अब देखो उसको इंप्रूव कर रहे हैं। तुमको मैंने जब गॉस लॉ बताया था तो क्या बताया था, फ्लक्स थ्री डायमेंशन में होता है, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट लिए थे, यहां प्लेन एंगल पे आएगा। देखो कैसे, यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां हमने एक इलस्ट्रेशन देख लिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमको ये प्रूव करना है यार ये तो सेंटर पे था, सिमेट्री था, तो अच्छा से प्रूव हो गया, मतलब मैच हो गया। पर किसी भी शेप में कैसा होगा ये, किसी भी शेप में कैसे करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे और क्यों होता है, और इसको अच्छे से समझना। तो फिर से मैं बता रहा हूं, ये सब चीजें बुक्स में नहीं मिलती हैं, बस स्टेटमेंट देके छोड़ देते हैं। और यहां बहुत सारे ओपन सर्किट लूप भी हम देखेंगे कैसे। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लिए हैं, सिर्फ ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, इन्फिनिटी से करंट आ रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है, और यहां हम एक लूप बना रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हम एक लूप बना रहे हैं। बट लूप किसी भी शेप का बना रहे हैं हम, लूप किसी भी शेप का बना रहे हैं, सर्कुलर नहीं बना रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, समझना है इसको। एक लूप बना दिया किसी भी शेप का, दिस इज एन आर्बिट्रेरी शेप्ड, आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लोज्ड लूप, प्लेनर लूप, ठीक है। हमने यहां पर एक करंट ले लिया, क्या ले लिया, करंट ले लिया, कितना ले लिया आई, यहां हमने करंट ले लिया आई वन, और यहां पे हमने एक दूसरा करंट ले लिया मान लो आई टू, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर, ठीक है, या पहले इसको लेते आई वन। ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, ये करंट जो ये क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग अंदर से, सो आई वन इज इनफाइनेटली लॉन्ग करंट, लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर। अगर ये मान लो लूप, प्लेनर लूप इन एक्स वाई प्लेन, अगर ये एक्स वाई प्लेन में ये लूप रखा हुआ है, तो ये जो करंट है आई वन इनफाइनेटली लॉन्ग करंट वायर फ्रॉम जेड इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू जेड इज इक्वल टू इंफिनिटी, समझ रहे हो, ये माइनस इंफिनिटी, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, तो ये करंट माइनस इंफिनिटी से माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक स्ट्रेट है। तो तुमको पता है कि इसकी वजह से तुम ये जानते हो, इसको मान लो मैं इस तरह से कर दूं, इसे बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो ये इस टाइप का शेप है, तुम ये जानते हो कि अगर मैं यहां पर देखूं कहां पे, इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है आर, यहां फील्ड कितना होगा, यहां फील्ड कितना होगा, तुम जानते हो इसका फील्ड कितना होता है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, डिस्टेंस है आर, तो यहां पे जो फील्ड बनेगा वो बनेगा इस तरह से, बनेगा ना सर्कुलर, बनेगा इसको सेंटर मान के सर्कुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर कितना बनेगा फील्ड बताओ, ये फील्ड जो है इस रेडियस के क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, कितना बनेगा म्यू नॉट आई वन बाय म्यू नॉट आई वन बाय कितना होगा टू पाई आर, सही है, एग्रीड? अब देखो यहां एक छोटा सा लेंथ लो, लगभग स्ट्रेट लाइन, यहां एक छोटा सा लेंथ लो जो कि लगभग स्ट्रेट लाइन होता है, इतना छोटा लेते हैं कि लगभग स्ट्रेट लाइन होता है,
किस डायरेक्शन में लोगे? टेंजेंशियली। वहां छोटा सा टुकड़ा कट करो डीएल। तो ये जो तुम डीएल लोगे, ये जो तुम डीएल वेक्टर लोगे, और ये जो तुम्हारा आएगा बी वेक्टर, जब यहां पे तुम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, जब इस पाथ पे जब तुम यहां पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा? आएगा डी बी, यहां पर आएगा बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस थीटा। होगा ना? बताओ, बी इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? बी किस डायरेक्शन में है? इसकी रेडियस के परपेंडिकुलर, सर्कुलर होता है इसकी रेडियस, और ये टेंजेंशियल। और डीएल यहां मान लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वी डोंट नो। ये एंगल है दोनों के बीच में, व्हाट इज डीएल कॉस थीटा? बी हो गया बताओ म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई आर, व्हाट इज डीएल कॉस थीटा बताओ? व्हाट इज डीएल कॉस थीटा? डीएल का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है डीएल का, दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है रेडियस के डायरेक्शन में और एक है रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सही है जी? यस सर। ये है डीएल साइन थीटा, समझो ये है डीएल साइन थीटा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये है डीएल कॉस थीटा, ये कितना है? डीएल कॉस थीटा। तो डीएल कॉस थीटा ये क्या है? सुनो तो ये क्या है? ये डीएल कॉस थीटा है, ये लेंथ है डीएल कॉस थीटा। अगर हम इस रेडियस आर का एक सर्कल बनाते, अगर हम इस रेडियस आर का एक सर्कल बनाते, समझो अगर हम इस रेडियस आर का, इसको सेंटर मान के इस रेडियस आर का हम सर्कल बनाते, तो ये बता रहा है डी फाई द लेंथ ऑफ द आर्क। देखो डी आर, ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना डी आर कॉस थीटा, क्या दिख रहा है? डीएल कॉस थीटा। डीएल कॉस थीटा है लेंथ ऑफ द आर्क परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये क्या है बताओ? ये है लेंथ ऑफ दिस आर्क लेंथ परपेंडिकुलर टू द रेडियस डिवाइडेड बाय आर। ये क्या बताता है? ये बताता है एंगल सबटेंडेड बाय दिस डीएल, दिस डीएल ने, इस डीएल ने कितना एंगल सबटेंड किया है इस करंट पे। जैसे मान लो एक सर्कल है, इस तरह से एक सर्किल है, होता क्या है, और तुम यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा लेते हो, बहुत छोटा सा, नेग्लिजिबल, ये लगभग स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये जो लेंथ होता है डीएल किसके परपेंडिकुलर? रेडियस के परपेंडिकुलर। ये तुम लेते हो डीएल रेडियस के परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर, यही होता है ना एंगल। तो ये जो तुम्हारा डीएल था, अगर तुम्हारा डीएल मान लो इस डायरेक्शन में था, मान लो तुम्हारा डीएल इस डायरेक्शन में था, तो इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब इस डीएल का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है डीएल कॉस थीटा जो रेडियस को बढ़ा रहा है, उसके कारण एंगल चेंज नहीं होता है। इस डीएल कॉस थीटा की वजह से इस डीएल, या ये अगर है थीटा है, इस डीएल साइन थीटा की वजह से तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, एंगल नहीं चेंज हो रहा है। इस डीएल कॉस थीटा की वजह से एंगल चेंज हो रहा है। ये जो डीएल कॉस थीटा, ये है आर्क लेंथ परपेंडिकुलर टू रेडियस दैट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड। ये हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय डीएल एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ क्या है? जहां से करंट पास हुआ था। तो तुम्हारा यहां पे क्या आ गया? म्यू नॉट बाय म्यू नॉट आई वन इंटू, ये हो गया डी फाइव, ये कितना हो गया? डी फाइव बाय टू पाई। इसका मतलब है बी डॉट डीएल इस पर डिपेंड नहीं करता है, बी डॉट डीएल इस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका लेंथ कितना है, बी डॉट डीएल इस पर डिपेंड करता है कि उसने एंगल कितना सबटेंड किया है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे बी डॉट डीएल को, तुम अगर इंटीग्रेट करो कहीं से कहीं, कोई जरूरी नहीं क्लोज लूप में, कहीं से कहीं,
अगर तुम ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लेते जाओगे, ये d5 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 बनता जाएगा। जब पूरा इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये d5 क्या, सब तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सिर्फ ये d5, ये पूरा d5 का सम कितना आएगा बताओ, इस हर एंगल d5 का सम कितना आएगा, 2π। तो 2π/2π आ गया मीनोटाइप, 2π/2π आ गया मीनोटाइप। इसीलिए इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ओपन लूप है, अगर वो ओपन लूप भी है तो कुछ नहीं करना है, अगर ओपन लूप भी है कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको ये समझना है जिस तरह से फ्लक्स के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के केस में, गॉस लॉ के केस में हम कहते थे 4π के सॉलिड एंगल में, 4π के सॉलिड एंगल में फ्लक्स होता था q/ε0। इसीलिए हमको कोई भी सरफेस का अगर सॉलिड वो पता है कि वो उस चार्ज पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, हम कहते थे 4π के सॉलिड एंगल में फ्लक्स है q/ε0, यूनिट में q/4π/ε0। सो अगर हमको ओमेगा पता है तो q/ε0 का कितना फ्रैक्शन होता था, ओमेगा/4π। यहां हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री में टोटल B.dl है म्यू नॉट आई। 360 डिग्री में चारों डायरेक्शन मिला दो, 360 डिग्री में है म्यू नॉट आई, यूनिट डिग्री में म्यू नॉट आई बाय 360 डिग्री। सो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अगर कोई भी आर्क सबटेंड कर रहा है तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब दो चीजें हैं, समझो, इसका मतलब दो चीजें हैं, मैं फिर से इसको बता रहा हूं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमको पता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, और उसके पीछे लॉजिक है। और लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि प्लेन एंगल में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, अनलाइक सॉलिड एंगल। वहां पे गॉस लॉ में क्या होता था, सॉलिड एंगल हुआ करता था। अब समझो इस बात को, मान लो ये करंट है, मान लो ये करंट है और ये एक इस शेप का कोई वायर है, इसी के प्लेन में रखा हुआ है। ये करंट है जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में मतलब इसके परपेंडिकुलर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट है, ठीक है। और इसके प्लेन में एक्स वाई प्लेन में एक ऐसे करके वायर डाल दिए हैं। हम जानना चाहते हैं B.dl का वैल्यू इसके ऊपर, हम क्या जानना चाहते हैं, पूरा क्लोज नहीं, एम्पियर ने किसके लिए बोल रहा है, क्लोज लूप के लिए, हम क्लोज का नहीं, हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ B.dl हियर। यहां से यहां तक जाएंगे ए से लेकर या पी से लेकर क्यू होते हुए आर तक चले जाते हैं, हमको बताना है इंटीग्रल ऑफ B.dl की वैल्यू पी क्यू आर में। हम यहां सर्किल नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, ये क्लोज लूप नहीं है, हम यहां सर्किल नहीं दे रहे हैं क्योंकि क्लोज लूप नहीं, जब क्लोज लूप होता है एक सर्किल दे देते हैं, ये ओपन लूप है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसके दोनों एंड को इससे ज्वाइन कर दो, ये दोनों एंड मिलके मान लो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 5। तो B.dl हो जाएगा म्यू नॉट आई का वो फ्रैक्शन, म्यू नॉट आई तो होता अगर ये 360 होता ना, ये हो जाएगा इंटू 5/2π प्लेन एंगल। 2π एंगल में कोई भी लूप अगर 2π प्लेन एंगल, यहां क्या होता है प्लेन एंगल, अगर कोई भी लूप 2π एंगल और B.dl, समझ लो 2π में म्यू नॉट आई, यूनिट में म्यू नॉट आई इंटू 1/2π। इसीलिए अगर 5 एंगल सबटेंड कर रहा है कोई भी लूप, म्यू नॉट आई इंटू 5/2π, क्या करना है, उस लूप के दोनों एंड को कहां से ज्वाइन कर दो, उस लूप के दोनों एंड को कहां से ज्वाइन कर दो, उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, और यहां दो बनेगा एंगल, एक इस साइड से और एक इस साइड से, वो एंगल लो जिसमें करंट हो रहा है,
ये कर दो। तो ये बताओ अगर इस तरह से एक लूप है, अगर इस तरह से एक लूप है, इमेजिन करो एक करंट यहां है I1, एक करंट यहां है I2 और एक करंट यहां पर है I3। ये लूप हम इस तरह से ले रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। ये बताओ ये एंगल कितना बना रहा है, इतना बना रहा है। ये जो करंट का एंड्स है, करंट के साइड से, ये करंट के एंड्स वाले साइड ये बना रहा है कुछ एंगल यहां पे, ये बना रहा है कुछ एंगल यहां पे, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, ये बना रहा है कुछ एंगल यहां पे और ये दोनों एंड ये बना रहा है कुछ एंगल यहां पे, समझो तीन बन रहे हैं एंगल। एक एंगल ये बन रहा है थीटा थ्री, एक ये बन रहा है थीटा वन, एक ये बन रहा है, नहीं ये आई थ्री नहीं हो जाएगा आई टू थीटा टू, ठीक है, समझ रहे हो। ये तुम्हारा लूप है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये तुम्हारा पी से शुरू हुआ, ये तुम्हारा करंट जो लूप है वो पी से शुरू हुआ, क्यू को पार किया, आर एस टी पे आ गया। तुमको पी और टी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है आई थ्री से, पी और टी को ज्वाइन कर देना है आई वन से, और पी और टी को ज्वाइन कर देना है एंड पॉइंट को किस से, आई टू से। अब इसको जब क्लोज कर दोगे, जब पूरा क्लोज पी और टी को मिला दोगे, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा वन कितना बन जाएगा, टू पाई, तो यहां पे डालोगे आई वन इंटू टू पाई, यहां डालोगे टू पाई, इसके लिए कितना होगा, जब इसको क्लोज कर दोगे ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों क्लोज हो जाएगा, जब पी और टी को मिला दोगे ये खत्म हो जाएगा, थीटा टू कितना हो जाएगा टू पाई, और ये कितना हो जाएगा थीटा थ्री जीरो। इसीलिए इसका कोई फ्लक्स नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई लाइन इंटीग्रल नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई लाइन इंटीग्रल नहीं होता है, ठीक है। देखो और बता रहे हैं, तो याद रखना ये प्लेन एंगल के कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है, ये प्लेन एंगल के कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन देखो मेरे पास इस तरह से लूप है, किस तरह से, ऐसे करके, ऐसे करके लूप है और हम इसमें ऐसे घूम रहे हैं, हम लूप में इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। यहां पर करंट है आई वन इनफाइनाइट, यहां पर भी करंट है, यहां है आई टू, तो ये बताओ इसके थ्रू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या लिखाएगा, क्या होगा, आई वन I1? क्या क्या ये देखो इसमें हम इस तरह से घूमे तो क्या ये पॉजिटिव करंट है I1, बिल्कुल, इसमें हम इस तरह से घूम रहे हैं, हम हालांकि हम इसी लूप में घूम रहे हैं बट हम यहां इस तरह घूम रहे हैं, इसकी वजह से यहां फील्ड जो था वो एंटी क्लॉकवाइज ही था, बट इसकी वजह से यहां फील्ड एंटी क्लॉक, घूम रहे क्लॉकवाइज, इस लूप के लिए, इस लूप के लिए समझो, इस लूप के लिए I1 पॉजिटिव और इस लूप के लिए I2 नेगेटिव, समझ रहे हो,
ऐसे घूम रहे थे तो करंट मान रहे पॉजिटिव, और इसमें इस तरह घूम रहे हैं, हालांकि घूम उसी लूप को कंप्लीट कर रहे हैं, बट कह रहा ये चेंज हो गया आई टू। पहली बार कभी अगर ऐसा हो, कभी अगर ऐसा हो, एक लूप को 10 बार घूम जाओ, क्या करो एक लूप 10 बार हो ऐसे, करंट ऐसे है आई, तुम इस लूप को ऐसे 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 एन बार घूम गए, एन लूप्स है, क्या है एन लूप्स है, एन बार टर्न ले लिए, एन टर्न्स है, करंट एक ही है पर एन टर्न्स है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इस पूरे टर्न में जब लोगे तो एक टर्न में आएगा म्यू नॉट आई, एक टर्न में आएगा म्यू नॉट आई, तो जब इसको एन बार लोगे तो एन टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। तीसरा, अगर लूप है एक ही, लूप है एक ही बट करंट एन बार पास हो गया, लूप है एक ही लेकिन करंट एन बार पास हो गया, ऐसे ऐसे करंट आया, देखो ये हर फिंगर जो दिख रहा है ना वो एक वायर है और ये सारा करंट इसमें से पास हो गया, ये करंट है मेरा, हर फिंगर जो है एक करंट कैरिंग वायर है और ये सारा ऐसे पास हो गया, ये सब का सब जो है इस तरह से इसको पार करके निकल गया ऐसे करके, तो हर एक फिंगर के थ्रू, हर एक फिंगर के थ्रू क्या हो रहा है आई करंट पास हो रहा है, एन फिंगर पास कर रहा है तो यह एन आई, अगर हर एक के थ्रू करंट क्या हो रहा है आई तो इसमें हो जाएगा, और ये वन लूप है, ये वन लूप है, वन टर्न है, ठीक है, टर्न बस एक ही है, टर्न एक है लेकिन एन बार करंट पास हो रहा है, दिस एन टाइम्स करंट पास, तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई, यहां क्या था म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई एन बार, यहां म्यू नॉट एन बार आई, बात बराबर ही है, ठीक है। जैसे हम ये सब करेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसको स्टार्ट किए हैं, ये है, ये करंट कैरिंग प्लेट है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तुम्हारी तरफ, इसमें करंट कैरिंग प्लेट है, ठीक, इसमें करंट इस कंडक्टिंग सीट के ऊपर, थिन टीन के ऊपर ये करंट ऐसे पास कर रहा था, हम एक लूप इस तरह बना रहे हैं, कैसे हम एक लूप इस तरह बना रहे हैं, यहां से यहां गए, नीचे गए, फिर यहां से यहां गए और एक रेक्टेंगल बना दिए, समझ रहे हो, इस तरह से, यह है करंट कैरिंग लूप, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है करंट, के दिया हुआ है करंट पर यूनिट विथ, ये जो W है, या चलो ये जो है ये विथ है W, और करंट इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल करंट है I, टोटल करंट है I, हम लिख सकते हैं I बाय W इज इक्वल टू डी आई बाई डी डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल टू के, इसको बोलते हैं करंट पर यूनिट विथ, करंट पर यूनिट विथ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां एक एम्पीरियन लूप बना रहे हैं, कैसे, इस सरफेस से थोड़ा ऊपर गए ऐसे किए, फिर इसके अंदर गए नीचे और फिर इस तरह से बना लिए, समझ रहे हो, हम क्या किए हैं, इसके ऊपर एक ब्रांच लिए हैं, इसके नीचे भी एक ब्रांच लिए हैं इस तरह से, और उनको वर्टिकली क्लोज कर दिए, हमको इसमें अगर सिर्फ बी डॉट डीएल निकालना है इस पूरे के ऊपर, इस क्लोज लूप से कितना करंट पास हो जाएगा,
ये इसकी लेंथ L, ये इसकी लेंथ है मान लेते हैं L, चौड़ाई इसकी L, इसमें से कितना करंट पास हो गया सो बताओ KL। तो इसमें अगर तुम पूरे में B डॉट dl लिखोगे, इस पूरे में जब तुम लिखोगे B डॉट dl, हम नहीं जानते B डॉट dl क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है कहां पे क्या हो, लेकिन इतना पता है लेफ्ट हैंड साइड बी डॉट डीएल बहुत डिफिकल्ट होता है निकालना, बट राइट हैंड साइड बहुत आसान होता है, प्लस माइनस का खेल होता है। ये हो जाएगा म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड, इसमें से कितना करंट पास कर गया, तो करंट पर यूनिट विथ, करंट पर यूनिट विथ है के, और इतना लेंथ इसमें से पास कर गया, इतना लेंथ इसमें से पास कर गया, बाकी लेंथ तो बाहर से निकला है, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट इनटू करंट पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ इज एल, म्यू नॉट इनटू करंट पर यूनिट लेंथ इनटू। चलो एक सोलेनोइड लेते हैं, एक सोलेनोइड लेते हैं ऐसे करके, हम पहले भी सोलेनोइड में थोड़ा बताए इसलिए इसका नाम ये इस तरह से है, एक सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड है, ये कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है कि इसमें ऐसे करके होता है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 करंट फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो ना। हम क्या करते हैं, एक इसमें लूप बनाते हैं, कैसा, उस लूप में ये लेंथ इधर है, अंदर एक लेंथ है, बाहर एक लेंथ है, और दोनों क्लोज किया हुआ है, समझ रहा हूं, इस तरह से हम इसमें क्या बना रहे हैं, इसमें करंट दिया हुआ है तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ, ऊपर में तुम्हारी तरफ है, ऊपर में करंट जो है तुम्हारी तरफ है, और नीचे में करंट जो है वो तुमसे दूर है, समझ रहे हो, इस तरह से करंट ऐसे आ रहा है, टर्न लेके ऐसे ऐसे जा रहा है। हमने क्या किया है, इसके अंदर और इसके बाहर एक ऐसे करके हमने एक एम्पीरियन लूप बना दिया है, क्या बनाया है, एक इमेजिनरी एम्पीरियन रेक्टेंगल बना दिया है, एम्पीरियन रेक्टेंगुलर लूप बना दिया है, रेक्टेंगुलर लूप बना दिया है जिसकी लेंथ है, समझ रहे हो ना, और n है इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बताए थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस लूप के ऊपर, इस एम्पीरियल लूप पी क्यू आर, नहीं ऐसे पी क्यू आर एस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल ऑन द क्लोज लूप पी क्यू आर एस पी कितना होगा बताओ, इस एम्पीरियल लूप से होकर, इस लूप से होकर कितना करंट पास कर गया, कितना करंट इसको निकल गया, समझो, अगर हम इसको यहां से काट दें, अगर हम इसको क्या करें, यहां से इसको हाफ सिलेंडर में कट कर दें, हम इसको अगर हाफ सिलेंडर में कट कर दें तो क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा इस टाइप से, मुझे इस टाइप से दिखेगा, ये हाफ सिलेंडर का टॉप मोस्ट इस पॉइंट टाइप से दिखेगा। अब इस टाइप में यहां से इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप बना हुआ है, इसमें से कितना करंट पास कर गया, इसमें कितना करंट पास कर गया, तो ये जो है दैट इज गोइंग टू बिकम म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, इसमें से करंट आई, इसमें से करंट आई, इसमें से करंट आई, कितनी बार, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ एल, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, जितना नंबर ऑफ टर्न है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, ये करंट पास हो जाएगा बी डॉट डीएल, ठीक है, सब अभी आएगा, फिर इन सब का इस्तेमाल करेंगे बिना इंटीग्रेशन के फील्ड निकालने में, इन सब का काम लेंगे बिना इंटीग्रेशन के फील्ड निकालने में, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि तो पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाएगा और तुमको जो तैयार रहना है वो क्या है, वह इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, वो क्या है पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन टाइप वन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा इंटीग्रल ऑफ B net dot dl over a closed loop,
ये होता है म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड, आउटसाइड से कोई मतलब नहीं है। तो तुमको यहां पे बहुत क्लेवरली काम करना है, ये पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, पूछा ये गया है इसको निकालना। एक्चुअली में हर पॉइंट पे डॉट प्रोडक्ट निकाल निकाल के निकालना बड़ा कठिन है, हर पॉइंट पे डॉट प्रोडक्ट लेना और हर पॉइंट पे फील का मैग्नीट्यूड निकालना, डीएल निकालना, डीएल और उसके बीच में डायरेक्शन निकालना और फिर उसके बीच में थीटा निकालना, फिर जोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। ये दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम है, लेकिन ये दुनिया में सबसे आसान काम है। और चूंकि दोनों इक्वल है, पूछता है ये, निकालते हैं ये और बोलते हैं ये निकल गया, क्योंकि यहां पे सिर्फ प्लस माइनस करना होता है। तो पहला क्वेश्चन तुमसे क्लोज लूप में जब पूछेगा तो तुमको कोई भी क्वेश्चन देगा तो तुमको सिर्फ ये करना है कि एक सेंस को, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, अपने आप तुम्हारा आ जाएगा। जैसे तुमसे हम ये कहें कि मान लो इस तरह से है, हम ऐसे गए फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, लूप को कंप्लीट कर दिया। ये करंट है I1, ये करंट है I2, ये करंट है I3, ये करंट है I4। पूछा गया है इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इस पूरे लूप में कितना होगा, इस पूरे क्लोज लूप में कितना होगा। तो क्या करोगे, पहले इसको देखो, जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो ये डायरेक्शन करंट का पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा I1। इसमें कैसे जा रहे हो, इसमें कैसे जा रहे हो, जरा देखो क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा फिर से पॉजिटिव। समझ रहे हो, डायरेक्शन ऑफ करंट भी उलट गया और डायरेक्शन ऑफ गोइंग भी उलट गया, ये प्लस आ जाएगा। यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव करंट, यहां क्लॉकवाइज तो ये होता पॉजिटिव करंट, यही पॉजिटिव है। यहां पे जा रहे हो ऐसे, इसमें कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, फिर से ये क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस I3, और बाहर वाले का कोई रोल ही नहीं होता है तो छोड़ दो, ठीक है, बाहर वाले कोई रोल ही नहीं होता, छोड़ दो, ठीक है, ये तुम निकाल सकते हो। दूसरा, तो पहला तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। दूसरा, तुमसे किसी ओपन सर्किट में लूप में पूछा जाएगा, क्या चीज सर, वो I2 वाला माइनस होगा या प्लस होगा। I2 कैसे घूम रहे हो बताओ, इस लूप में कैसे घूम रहे हो, ऐसे, ये लूप वन है, लूप वन में कैसे घूमे थे बताओ, लूप वन में कैसे घूमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, लूप वन तो पॉजिटिव, यहां कैसे घूमे हैं, क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज, तो करंट इनसाइड होगा पॉजिटिव, ठीक है, ये सब गलती मत करना, एक प्लस माइनस की गलती, ये सब आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और लोग सिर्फ प्लस माइनस में गलती करते हैं, आईडी कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है, तुम्हें बता देते हैं। देखो पहला ये, इस पे और भी इलस्ट्रेशन तुमको मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे वो तुम बना सकते हो। दूसरा, क्लोज लूप पे ना पूछ के ओपन लूप पे पूछेगा, क्लोज लूप पे ना पूछ के क्या करेगा, ओपन लूप पे पूछेगा, तो क्या करोगे, बस एंगल निकाल दो, क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सर्कुलेशन और लाइन इंटीग्रल फॉर एन ओपन लूप, दैट मींस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फॉर एन ओपन लूप, क्लोज लूप नहीं ओपन लूप, तो क्या करोगे, इसको लिख देना सिंपली
म्यू नॉट इंटू आई, ठीक, जो भी करंट है, इंटू डेल्टा थीटा बाय टू पाई, वे डेल्टा थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय एंड्स ऑफ द लूप। मान लो लूप पी और क्यू से, पी से शुरू हुआ और क्यू पे खत्म हुआ, तो पी और क्यू को वहां से ज्वाइन कर दो, किससे, लूप एट द करंट, उस प्लेन में जिस पॉइंट से वो करंट पास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे से ये पूछा गया, ये एक करंट है, ठीक है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट है, और यहां पर एक वायर है, यहां एक पाथ है, हम यहां पे क्या ले रहे हैं, एक पाथ ले रहे हैं, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट है, दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट, और हम ये कह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं, सच डेट ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एक पाथ है पी क्यू, ठीक है, हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ठीक है, चलो ये है 4, ये है 3, ये है 4, ये है 3, और ये है 2.25, या इसको कर दो 16, इसको कर दो 9, इसको कर दो 12 मीटर। तुमको बता रहे इंटेग्रल ऑफ, इसकी वजह से इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डीएल ओवर पी क्यू कितना है, इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डीएल ओवर पी क्यू, पी से क्यू तक में इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या आएगा, तो क्या करोगे, तुमको ये जानना है ये पी क्यू कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तुमको ये जानना है ये पी क्यू कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, 53 डिग्री, और ये कितना होगा, 37 डिग्री, इसका मतलब है ये एंगल हो गया टोटल, ये कितना सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री, ये कितना सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री, तो म्यू नॉट आई का फ्रैक्शन होता म्यू नॉट आई, पूरे 360 डिग्री में क्या होता म्यू नॉट आई, बट 90 डिग्री हो जाएगा कितना, 90 डिग्री बाय 360 डिग्री, इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट आई बाय 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा, चूंकि हम पी से क्यू गए हैं, समझो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज, इस करंट की वजह से डॉट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज, और हम गए भी हैं पी से क्यू, इसलिए प्लस साइन लिए हैं, अगर हम जाते हैं क्यू से पी, देखो करंट का सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, फील्ड ड्यू टू करंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, हम जा रहे हैं क्यू से पी, तो यहां माइनस साइन होता, समझ रहे हो, यस सर, एक बात और समझ लो, मान लो मेरे पास ये करंट है आई, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कहीं भी हम बोल रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एक पाथ ये है, कौन सा, हम यहां से एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है, लेट दिस एंगल बी थीटा,
हम यहां से कोई भी एंगल बना लेते हैं, इसमें हम एक पाथ ये लेते हैं, दूसरा पाथ ये लेते हैं, और तीसरा पाथ जो है ये लेते हैं। हम किसी भी पाथ से निकालेंगे, हमारा लाइन इंटीग्रल सेम आएगा। ये पाथ वन, ये पाथ टू और ये पाथ थ्री, इंटीग्रल ऑफ सॉरी ओपन है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इन पाथ वन, पाथ वन इज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल पाथ टू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल पाथ थ्री। क्यों? तीनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, तीनों का जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, क्योंकि तीनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, तीनों का लाइन इंटीग्रल सेम आएगा। कितना? दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई का कौन सा फ्रैक्शन? थीटा बाय टू पाई। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका लिए चिंता नहीं करना, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है वो एंगल कितना बना रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लोज, मतलब ओपन में अगर पूछता है तो तुमको सिर्फ एंगल निकालना है। तीसरा, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक, गॉस लॉ में सबसे बड़ा उसका एप्लीकेशन क्या था? हाउ टू फाइंड फील्ड विदाउट इंटीग्रेशन यूजिंग सम लॉजिकल लॉजिक के थ्रू। तो हम अब तीसरा जिसका एप्लीकेशन है वो है, पहला क्या था? क्लोज लूप पे बी डॉट डीएल निकालना। तो सिंपली म्यू नॉट इनटू आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री लाइक दैट। दूसरा ओपन, और क्लोज लूप नहीं है ओपन है, तो उसमें क्या करेंगे? उसको ज्वाइन कर देंगे, एंगल निकाल लेंगे, थीटा बाय टू पाई से म्यू नॉट आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तीसरा, तीसरा जो है वो फील्ड कैसे निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, सोलेनोइड, टॉरॉइड, हर जगह इसका एप्लीकेशन भरा हुआ है। ठीक है, उसको हम देखते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, उसको हम अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसा होता, एक करंट यहां है I1 और एक करंट यहां पर है I2। ऐसे ही ले लो, ये P से लेकर Q तक है, ओपन लूप है। ये होता है इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, B नेट डॉट dl, क्लोज तो है नहीं, P Q R, P Q R ओपन लूप कितना आएगा? अगर ये एंगल है मान लो, और ये मान लो एंगल है थीटा वन, और ये एंगल है मान लो थीटा टू, तो कितना आएगा? म्यू नॉट इंटू आई वन का कौन सा फ्रैक्शन? आई वन का कौन सा फ्रैक्शन? 2 पाई माइनस थीटा 1 बाय 2 पाई। यस सर, ये लेंगे एंगल जितना एंगल ये सबटेंड कर रहा था। ठीक है, जहां करंट है वो पोर्शन लेते हैं, जहां करंट नहीं वो नहीं लेते। ठीक है, ठीक है, अब इसमें बताओ I2 का क्या लेंगे? I2 का लेंगे थीटा टू बाई टू पाई, वो तो लेंगे, वो तो समझे, प्लस या माइनस साइन, प्लस या माइनस साइन, प्लस या माइनस साइन, क्यों? मुझे भी नहीं पता। मैं कभी सोचा तो पूछ दिया, क्लास में मेरा ब्रेन ज्यादा काम करता है, अकेले में नहीं करता है। क्या करेंगे? मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी देखा नहीं। यहां तो समझ गए, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, देखो इसके कारण फील्ड भी
इसी डायरेक्शन में था, ये भी इसी डायरेक्शन में था, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके कारण जो फील्ड था वो तो इस डायरेक्शन में था, वो तो इस डायरेक्शन में था। अच्छा यहां माइनस देंगे प्लस दे, बताओ यहां माइनस देंगे प्लस दे, मतलब इसकी वजह से यहां जो लेंगे वो माइनस लेंगे प्लस। चलो एक बार काम कैसे प्लस ले लेता है, नहीं प्लस कैसे ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि जब थीटा टू जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, जब थीटा टू जीरो कर दो, क्लोज कर दो, ये जीरो हो जाएगा, वो तो जीरो प्लस जीरो करो या माइनस जीरो करो, रियल तो वही आ रहा है, तो हम वहां से तो नहीं कर पाएंगे पता। तो क्या करेंगे इसकी वजह से, अच्छा ये इस तरह से, हाँ देखो इसकी वजह से फील्ड का सेंस जो है, इसकी वजह से फील्ड का सेंस होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से जो फील्ड का सेंस होता सिर्फ इसकी वजह से क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज, और हम घूम रहे हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज ना, माइनस होना चाहिए ना, मुझे लग रहा माइनस ही होगा, मुझे लग रहा माइनस ही होगा, क्यों माइनस होगा, एक काम करते हैं, चलो एक लॉजिक थोड़ा मुझे समझ में आया, इसको पहले एक बार क्लोज कर देते हैं, और इसको क्लोज कर देंगे तो हो जाएगा जीरो, अगर हम क्लोज कर देंगे तो इसका लाइन इंटीग्रल पूरे में क्या आएगा, जीरो आएगा ना, अगर हम इसको क्लोज कर दें तो ये उसके बाहर चला गया, इसका एंड पॉइंट से जीरो सबटेंड के ये हो गया जीरो, इसका मतलब है कि इसका लाइन इंटीग्रल इस पूरे पे जितना था उसका नेगेटिव यहां से यहां तक में रहा होगा। एक चीज बताओ, लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड, और क्लोज लूप ले लें, और क्लोज लूप ले लें, कौन सा पी क्यू आर पी, किसकी वजह से, बी टू डॉट डी एल, क्या जीरो होगा, जीरो होगा, मानते हो, क्योंकि ये पूरा क्लोज लूप, ये तो रह गया बाहर, पूरा लूप करते, इसको हम तोड़ सकते हैं दो इंटीग्रल में, कौन कौन सा, बी टू डॉट डी एल ओपन प्लस बी टू डॉट डी एल, यही ना, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बी टू डॉट डी एल पी क्यू आर, एक तो पी क्यू आर और दूसरा बी टू डॉट डी एल आर पी, होगा ना। Yes. अब जरा देखो, R से P तक अगर तुम जाते, अगर तुम R से P तक जाते तो नेगेटिव आता, क्यों आता, R से P तक जाते तो नेगेटिव आता, क्यों आता, क्योंकि I2 की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, I2 की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होता है और तुम जा रहे हो उसके उल्टा डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव होगा, एंटी पैरेलल है, तो ये तुम्हारा आएगा नेगेटिव, आएगा ना, यानी ये आना चाहिए पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, पॉजिटिव है, देखो मैं वैसे ही सोचा कि क्वेश्चन पूछूं कि चलो मैं काम करता हूं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये एक लूप है इस तरह से, ये एक लूप है इस तरह से, और यहां पर एक करंट है आई, ठीक है, और ये लूप हम ऐसे घूम रहे हैं, सबसे पहले ये बताओ इसका नाम दे रहे हैं हम कहां, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पी, तो ये बताओ इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ऑन पी क्यू आर एस पी कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक, इसको हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ देते हैं,
हम इस इंटीग्रल को जो हम पी से क्यू एस आर एस पी तक पूरा क्लोज किए, ये कर्व दो कर्व से मिलके बना था, कौन सा, पी क्यू आर एस और एस पी। इसको हम दो ओपन इंटीग्रल में ब्रेक कर देते हैं, इसको हम दो ओपन इंटीग्रल में ब्रेक कर देते, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस और एस पी दो में ब्रेक कर देते हैं, बी डॉट डीएल और बी डॉट डीएल, ये हो गया जीरो। Agreed? लेकिन अगर हम सिर्फ एसपी पे निकालना चाहें, ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम सिर्फ एसपी पे निकालना चाहें एस से लेकर पी तक, तो क्या होगा, देखो इसकी वजह से जो फील्ड रहा होगा वो फील्ड का सेंस तो रहा होगा, इसकी वजह से जो फील्ड रहा होगा उसका सेंस तो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से फील्ड का सेंस तो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब तुम यहां पे डीएल लोगे और फील्ड नीचे होगा, डीएल ऊपर, एस से पी जा रहे हो ना, एस से पी जा रहे हो ना, तो फील्ड नीचे डीएल ऊपर, फील्ड नीचे डीएल ऊपर, तो इसकी वजह से जो तुम्हारा ये आ गया तो नेगेटिव होगा ना, क्यों नेगेटिव होगा बताओ, क्योंकि तुम्हारा बी हर पॉइंट पे नीचे की तरफ है, जब तुम एस से पी तक जा रहे हो तो तुम क्या देख रहे हो, फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे नीचे है, तुम जा रहे हो ऊपर, तो ऑब्ट्यूस एंगल ही बनेगा, 180 भले ना बने, 170 बने, 160 बने, बट बनेगा तो ऑब्ट्यूस ही, क्योंकि बी नीचे है, बी का सेंस नीचे जाना है, तुम जा रहे हो ऊपर, तो एंटी पैरेलल होगा, यहां पे बी डॉट डीएल नेगेटिव आएगा, इसीलिए यहां से लेके यहां तक में बी डॉट डीएल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसीलिए ये टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमको ये तो पता था कि अगर हम इसको निकाल दें, इसको ज्वाइन कर दें, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, हमको ये तो पता था इसका मैग्नीट्यूड है मी नॉट बाय आई इंटू थीटा बाय टू पाई, हमको ये तो पता है कि इसका एंड यहां सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा, ये होगा मी नॉट बाय, सॉरी मी नॉट इंटू आई थीटा बाय टू पाई, बट ये प्लस होगा या माइनस होगा ये नहीं पता था, ये हम पता करना चाह रहे थे, अब हमको पता चल गया है, क्योंकि इसको ऐड करने से जीरो हो जा रहा है, इस पी क्यू आर एस पे जब इसको ऐड कर दे रहे हैं ये जीरो हो जा रहा है, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव रहा होगा, है ना। अब हम उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, यानी अगर हम इसकी वजह से यहां से यहां तक का देखें तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर उल्टा देखते तो नेगेटिव आता, क्यों, अगर हम उल्टा घूमते ऐसे, यहां से लेकर घूमते ऐसे, तो यहां इसको क्लोज करने के लिए क्या करते, P से S तक जाते, S से P नहीं जाते, अगर हम यहां से ऐसे गए जाते तो यहां इसको क्लोज करने के लिए P से S जाते, तो P से S जाते और फील्ड भी इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मतलब डाउनवर्ड है, तो P से S तक B डॉट DL पॉजिटिव है, तो इस पूरे का नेगेटिव होता, ठीक है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था, यहां एक छोटा सा गैप छोड़ देते हैं, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये करंट है आई वन और ये करंट है आई टू, ठीक है, और हम इस सेंस में जा रहे हैं, तो इस पूरे लूप पे इंटेग्रल ऑफ, सॉरी इस पूरे ओपन लूप पी क्यू आर एस पे बी डॉट डीएल पी क्यू आर एस पे कितना आएगा, क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू आई वन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई वन का तो हो जाएगा आई वन इंटू, सॉरी आई वन इंटू टू पाई माइनस थीटा वन बाय टू पाई, यही ना, आई वन इंटू टू पाई माइनस थीटा वन बाय टू पाई प्लस म्यू नॉट इसका होता आई टू इंटू थीटा टू बाय टू पाई, हमको ये जानना था या प्लस ले कि माइनस ले, यही ना, हमको ये जानना था या प्लस ले कि माइनस ले, अब हम समझ गए हैं क्या लेना था, इस तरह घूम रहे हैं तो प्लस लेना है, लेंगे ना, यही चीज है ना, ये I2 के लिए वही चीज हो रहा जो पहले हुआ था,